खुद को सोचो, खुद के बारे में थोड़े अलग होकर सोचो कि क्या प्रभु ने मेरा सृजन किया है कि काल पुरुष ने। पहले ये खुद से प्रश्न करो, और अगर अंदर से जवाब आता है कि प्रभु ने सृजन किया है, तो फिर ये बोलो कि प्रभु ने अगर मेरा सृजन किया है तो फिर मैं काल पुरुष के हिसाब का वर्तन क्यों करूं, मैं नेगेटिव वर्तन क्यों करूं। हाँ, अगर आप सोच रहे हो कि नहीं, काल पुरुष ने ही मेरा सृजन किया है और मुझे उससे वफादार रहना है, तो बात कुछ अलग है। और यहां बात भी यहां आ जाती है कि अगर भले मन बोलता है कि तेरा सृजन तो काल पुरुष ने किया है, तो कोई बात नहीं। राक्षस के घर में जन्मा हुआ प्रहलाद भी अगर भक्त बन जाता है और प्रभु को प्राप्त कर सकता है, तो भले ने काल पुरुष ने तेरा सृजन किया हो, तू भक्ति कर ले हरि की, तो तू हरि का हो जाएगा। उसमें हर एक जगह अगर चाहे तो जीत तो तेरे हाथ में ही है, पर तुझे जीत नहीं चाहिए, तुझे तेरी अश्रद्धा के ऊपर विश्वास है कि मेरी प्रगति नहीं हो सकती है, मैं बड़ा आदमी नहीं बन सकता हूं, मैं दिव्य नहीं बन सकता हूं, मुझे प्रभु नहीं प्राप्त हो सकते, मैं सफल नहीं हो सकता हूं। कभी कभी कुछ लोग देखना, जब घर में बैठे होते उनके घर जाओ तो अपनी पुरानी रिकॉर्ड शुरू हो जाती है, देखो भगवान ने कैसा अन्याय कर दिया, वही दुनिया, हम तो प्रगति कर नहीं सके, न जाने कैसे ग्रह पड़े हैं, हमें भूमि दोष है, लोगों की नजर लगती है, कुछ मैली विद्या होती है, तारा मसू दाटी जो बता तारी पाछड़ पड़े, दुनिया की काम नहीं। तेरे अंदर रही हुई नेगेटिव सोच, इसीलिए सत्संग में आने के लिए मैं कहता हूं, सत्संग में आने पर ये नेगेटिव जितनी भी धारणा होती निकल जाती है। और कभी कभी हमें ऐसा भी सत्संग में आकर लगता है, हाँ ऐसा तो मैं सोचता हूं, तो मुझे कहने की जरूरत नहीं, आप खुद ही खुद के गुरु बन जाओ। जहां जहां लगे कहां ये मैं सोचता हूं, उसको टिक मार्क करके उसको सुधारते जाओ, देखो तुम्हारी जिंदगी में कितना बदलाव आता है। और जो सुधारते उसको बिगाड़ना मत। आज जो आज सोच अच्छी बना ली, जैसे मैंने बोला है, थूका हुआ चाटना मत। नेगेटिव विचार आया, थूकने का मन हुआ, उसको निगल मत जाओ, थूक ही दो। अगर तुम सामान्य तरह से देखो कि तुम्हारे जीवन में शांति आ जाएगी, तुम ज्यादा नहीं 3 दिन इस तरह से चलो, देखो 3 दिन की बात करता हूं, तुम सिर्फ 3 दिन निर्णय लो, सत्संग हुआ है साहब के सामने अरदास लगाकर सीधा से संकल्प करे कि साहब शक्ति दो 3 दिन तक मैं सही तरह से चलू, एक व्रत है ये। जो भी नेगेटिव ख्याल आए, मैं बिजनेस करने जाता हूं, मेरा बिजनेस नहीं हुआ, तो सोचो ही नहीं, होगा ही होगा। खबर आती है, भाई तुम्हारा बिजनेस होने वाला था, जो माल का सप्लाई किया था, ऑर्डर कैंसिल हो गया है। तुम वही सोचो, ऑर्डर कैंसिल हो ही नहीं सकता ना, 2 दिन के बाद कोई नया ग्राहक आएगा, इससे दुगना ऑर्डर मांगेगा, इसके लिए मेरे पास माल नहीं होगा, इसलिए इसको कैंसिल किया, डबल माल ले जाएगा। भले 3 महीने बैठे रहो, होगा होगा ही होगा। और जिन लोगों ने ये पॉजिटिविटी में चलना सीख लिया है, उनको मालूम है उनकी हर कदम पे प्रकृति मदद करती है, हर कदम पे प्रकृति मदद करती है। तो बात यहां पर आती है कि श्रद्धा इतनी अटूट रखो कि काम तो होगा ही होगा, क्यों नहीं होगा। अभी भी बताता हूं, ये मैंने जो शब्द दाव सत्संग दिया है उसकी एक्सरसाइज करना सीख जाओ, देखो तुम्हारे जीवन में कितना बदलाव आता है, तुम जो जो सोचोगे वो मिलता जाएगा तुमको। मैंने एक कल्प वृक्ष समान एक औषधि दी है, एक विशिंग मशीन दिया है, तुम इसको थोड़ा सा अख्तियार करके देखो। मैं कहता हूं थोड़ा सा, हर एक व्यक्ति को इसकी जरूरत है। तुम सिर्फ लाचार बन के बैठ जाते हो, या तो सुनकर बस प्रेक्षक बन के, या तो श्रोता बन के बैठ जाते हो। तुमने कभी उसके ऊपर चिंतन किया, एक्सरसाइज किए, यहां तक कि तुम इतने आलसी हो चुके हो कि तुम चिंतन करना भी नहीं चाहते, इतनी आलस है। या आलस, या तो उन्माद। उन्माद किसको कहते हैं? अरे यार अभी ये कौन करे, मैं तो सब समझा हुआ, उसको उन्माद कहते। आलस, अरे यार बाद में कर देंगे, अभी नहीं, अभी थोड़ा सो जाऊं, अभी थोड़ा टीवी देख लूं, अभी थोड़ा खा लूं, अभी थोड़ा पानी पी लूं। कभी कभी ऐसा होता है, अरदास का टाइम आता है तो मन ही तुमको उस जगह से छटकने के लिए प्रेरित करता है अलग अलग। और पहले तो कुफ्र कराएगा, चलने अभी आरती होने से पहले चल कहीं भाग जाए, कहीं दूर चले जाए, थोड़ा काम निपटा के आ जाए।
आरती है, चलो ठीक है इतने समय में किसी दोस्त को मिलके आ जाता हूँ, पर आरती में खड़ा ना रहना पड़े, मतलब यहाँ से समझ लो मन कितना चंचल है, वो थोड़े पल के लिए भी ईश्वर के पास बैठना उसको मुनासिब नहीं लगता है।